का, मैं मनीष कश्यप को तो ढूंढ रहा हूँ, वो है कहाँ? मिल जाएगा तो क्या करिएगा? अरे वो उसको मैं इंटरव्यू दूंगा। कैसा इंटरव्यू? शाहरुख खान उनके जीजा है और एक शाहरुख खान उनके जीजा है। अरे भोसड़ी के शाहरुख खान तेरे जीजा होगा, इसलिए तुम शाहरुख खान की तारीफ कर रहे हो बच्चों। बहुत बड़ा चैनल है बिहार का, वो ये है। कौन है बोल मत। वो ये है। अरे भोसड़ी के मारो छोड़, तुम्हारी औकात है क्या मनीष कश्यप से बात करने की? और जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो ना, वो शायद तेरे बाप होंगे भोसड़ी के। मनीष कश्यप को तो मैं पहचानता भी नहीं था, मैं खुद बिहार का हूँ। वो बोलता बिहार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मनीष कश्यप को नहीं जानता हो? मादर चोट साला, बेटा औकात में रहो नहीं तो फ्री में गाल मारे जाओगे। पैसा भी नहीं लगा मनीष कश्यप, फ्री में मार देगा। मैं मनीष कश्यप को तो ढूंढ रहा हूँ, वो है कहाँ? मिल जाएगा तो क्या करिएगा? अरे वो उसको मैं इंटरव्यू दूंगा। कैसा इंटरव्यू? उसको स्पेशल में कोने में ले जाकर मैं इंटरव्यू देने वाला हूँ। और क्या बोला रे भोसले के? मनीष कश्यप को ढूंढ रहा हूँ, इंटरव्यू देना है कोने में? बेटा लॉर्ड जैसे आदमी को वो गाल फाड़ देता है, तुम तो मनीष कश्यप के झाड़ बराबर भी नहीं हो भोसले के। भाई मैं कितना गाली दूं इस लोड़े जैसे मुंह वाले आदमी को, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लगता है गाली का कोर्स करना पड़ेगा। वो है ना वो मटके जैसी शक्ल वाला, वही मनीष कश्यप। अरे मटके जैसा शक्ल वाला भाई मनीष कश्यप है ना? बेटा तुम्हारे लोड़े से शक्ल से मनीष कश्यप की शक्ल बहुत अच्छा है। और हाँ, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन होगी ना, वो भी मनीष कश्यप की दीवानी होगी, पूछ लेना एक बार घर में। औषधि के मनीष कश्यप की हैसियत है शाहरुख खान के गेट के पास बाहर भी खड़े होने की। बस मनीष कश्यप की हैसियत है शाहरुख खान के गेट के पास खड़े होने की। बेटा इस तेरे बार से साफ तौर पे मालूम पड़ता है कि शाहरुख खान पक्का तेरे अम्मी के साथ सोया होगा, इसलिए तू इतनी अकड़ में बात कर रहा है भैंचोत। भाई इस हरामखोर के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि पूरा गांड फाड़ेगा। कुत्तों को इग्नोर करना, मनीष कश्यप कुत्ता है। मनीष कश्यप मैं आप खुद मान रहे तो मैं क्या बोलूं? मनीष कश्यप कुत्ता है। अरे भोसले के सबसे बड़ा कुत्ता तो तुम हो जो कि इतनी जोर जोर से भौंक रहे हो। मुझे तो तुम सब शाहरुख खान के बहुत बड़का कुत्ता लगता है भैंचोत। कैसन मोबी लागल हो पठान? अरे एकदम गर्दा फाड़ भाई, गर्दा उड़ा दिया। चलो ठीक है, मान लेते पठानों भी गर्दा उड़ा दिया। अब आगे बोल, विरोधियों के लिए क्या कहेगा? जो विरोध कर रहा था उसके लिए क्या कहेगा? विरोधी नहीं है वो, विरोधी नहीं है भोसड़ी के। तिरंगा कलर यानी कि भगवा कलर की जो चड्डी और बरा पहन के रोमांस या डांस कर रही है वो क्या सही है? भाई आप ही लोग बताइए कि ये सही है या गलत है, कमेंट्स में जरूर बताना, मैं तो गाली दे के थक गया हूँ। शाहरुख खान उनके जीजा है और एक शाहरुख खान उनके जीजा है। अरे भोसड़ी के शाहरुख खान तेरे जीजा होगा, इसलिए तुम शाहरुख खान की तारीफ कर रहे हो बच्चों। जो लोग कह रहे हैं कि बाइकॉट कर रहे हैं शाहरुख खान की, उनकी अम्मी जान, उनकी मम्मी भी शाहरुख खान की आज भी दीवानी है। वाह भोसड़ी के, मतलब भाई लोग आप खुद ही सोचिए ये क्या बोल रहा है। मतलब सच में इन लोगों के अम्मी जान और बहन दीवानी है शाहरुख खान की? ये तो अपने मुंह से खुद ही बोल दिया। ये लोग दूसरों के माँ बहन को बोल रहे हैं भोसड़ी के, जो खुद के ठिकाना नहीं है। तो भाई लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि चूतिए से लोगों को लड़ाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इन लोड़े जैसे आदमी को लड़ाई देखने के लिए।